हेलो दोस्तों, मैं सीएम। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के न्यू लॉन्चेस फोन C15 के बारे में और करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन। साथ में ही जानेंगे कि इस फोन में क्या क्या की एडवांटेज है। साथ में ही दोस्तों जानेंगे कि ये फोन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है अंडर 10K की रेंज में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस फोन के बारे में सब कुछ। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसमें IPS स्क्रीन का यूज किया गया हुआ है। साथ में ही बात करें तो ब्रिजलेस इसमें डिस्प्ले दी गई हुई है। साथ में ही बात करें स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरिंग ग्लास V3 का यूज किया गया हुआ है। साथ में ही दोस्तों बात करेंगे हम इसके इमेज रिजोल्यूशन की, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों अब बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो 60Hz हमें इसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है, वो भी अंडर 10K में। और दोस्तों बात करेंगे हम इस फोन के पिक्सल डेंसिटी की, तो वो है 269 PPI, जो कि हम कह सकते हैं कि अंडर 10K ये फोन बेस्ट होने वाला है डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर की बात करें तो जो इसमें चिपसेट दिया गया हुआ है वो दिया गया है MediaTek Helio G35, जो कि काफी ज्यादा एडवांस प्रोसेसर है। और साथ में दोस्तों बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो 64-bit का है। साथ में ही जो इसमें एंड्रॉइड वर्जन दिया गया हुआ है वो दिया गया हुआ है V10, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। और ग्राफिक्स की बात करें तो VR वर्जन का इसमें ग्राफिक्स दिया गया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। स्टोरेज की तो बात करें दोस्तों जो इसमें रैम दी गई हुई है वो दी गई हुई है 3GB। साथ में ही रोम की बात करें तो वो दी गई हुई है 32GB। साथ में दोस्तों हम इस फोन की मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक, जो कि ये फोन अंडर 10K मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट होने वाला है। करते हैं कैमरा की, जो इसमें कैमरे का जो सेटअप दिया गया हुआ है वो दिया गया हुआ है क्वाड कोर सेटअप। साथ में ही बात करेंगे रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में 4 कैमरे दिए गए हुए हैं, 13MP, 8MP, 2MP एंड 2MP, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है हमारे ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। नैनो और जितने भी अल्ट्रा वाइड एंगल व्यूज होते हैं उनको ये अच्छे से कैप्चर करता है। साथ में ही दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 8MP का बेहतरीन फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया हुआ है। साथ में ही दोस्तों बात करें CMOS सेंसर भी इसमें दिया गया हुआ है। और बात करें इसके की फीचर के कैमरे की, तो इसमें डिजिटल जूम के साथ हमें ISO कंट्रोल भी मिलता है, जो कि अंडर 10K ये फोन काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके बैटरी की। बैटरी की दोस्तों बात करें तो 6000mAh की इसमें पावरफुल बैटरी दी गई हुई है। साथ में ही बात करें लिथियम आयन के मटेरियल से जो बनी हुई है, जो कि इस फोन को काफी ज्यादा हाई रेटिंग दे देती है। साथ में ही दोस्तों बात करें 18W की इसमें फास्ट चार्जिंग भी दी गई हुई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।